मूवीज AMPM में आपका स्वागत है। आज मैं मूवी द कर्स ऑफ वेलबुर्गा की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी में पहले दिखाते हैं एक आदमी मांस के टुकड़े पर अपना खून डालकर उसे खाता है और एक किताब पर उसके खून से कुछ लिखता है, मंत्र जप रहा होता है। आगे दिखाते हैं दो भाई भोजन और माजन अपने पैसों के तंगी को लेकर बात कर रहे होते हैं। उनका कुछ काम सही नहीं चल रहा होता है, तभी माजन उसको एक आइडिया देता है। माजन फ्रेडो नाम के शख्स को अपने भाई से मिलाता है। वो कहता है फ्रेडो एक पुरानी हवेली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और वो पुरानी हवेली ड्रैकुला के कजन का है। ऐसे लोग मानते हैं इस खबर के वजह से उधर कोई आता जाता नहीं है। इस हवेली के बारे में इंटरनेट में लोग बहुत सर्च करते हैं। मार्जन चाहता है कि ये तीनों मिलकर उस पुरानी हवेली में टूरिज्म का बिजनेस करें, क्योंकि फॉरेनर्स के पास बहुत पैसा मिलता है। मार्जन का भाई और सिक्योरिटी गार्ड मिलकर पुरानी हवेली में पहले से ही तैनात रह के और अंदर से ड्रैकुला का पोशाक पहनकर टूरिस्ट को डराने का प्लान करने हैं। बहुत लोग इंटरनेट से मार्जन का एड देखकर हवेली देखने के लिए तैयार रहते हैं। अगले दिन कुछ टूरिस्टों को पुरानी हवेली को दिखाने के लिए इनवाइट करता है। उनमें से कुछ लोग जादू टोना करने वाले होते हैं। उनके हिसाब से हवेली में एक जगह पर एक जादुई शक्ति वाली चीज है, यह लोग उसे ढूंढने इधर आए हैं। हवेली के अंदर से भोजन और सिक्योरिटी गार्ड भूत का पोशाक पहनने की कोशिश में रहते हैं। तभी एक तेज धार वाली ब्लेड आकर सिक्योरिटी गार्ड के सर पर लगती है और वो वहीं पर तड़प के मर जाता है। यह देखकर भोजन डर के उधर से भाग जाता है। मार्जन गाइड बनकर टूरिस्टों को हवेली के अंदर लाता है, बारी बारी से हवेली दिखाता है और ड्रैकुला के बारे में भूतिया कहानी सुनाने की कोशिश करता है, मगर कोई विश्वास नहीं करता। उनके बीच में एक आदमी और दो औरत हवेली के एक कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर में उनमें से एक आदमी और एक औरत बाहर भागते हुए आते हैं। आदमी खून से लथपथ बाहर भागता है। इन दोनों में से एक औरत को किसी ने तेजधार हथियार से मार दिया है, ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। माजन से जादू टोना करने वाले माजन को पकड़कर पूछते हैं वो जादुई चीज कहाँ है। तभी मार्जन के भाई भोजन को कोई पीछे से आकर ब्लेड से मार देता है, उसका गला काट के इनके बीच में फेंक देता है। स्वन नाम का आदमी जादू टोना करता है। स्वन अपना बंदूक निकाल के माजन को डराता है। उसी वक्त इसके दोस्त को भी कोई मार देता है। इनको मालूम नहीं पड़ता कौन खूनी है। उनमें से एक को राक्षस जैसे दिखने वाला आदमी अपनी तेज दरार ब्लेड से काट देता है और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाता है। इस हवेली के बेसमेंट में उनके जैसे बहुत लोग रहते हैं। स्वन के साथ जो एक बहादुर लड़की रहती है उसके पास चाकू और गन भी रहता है। वो जादू ही चीज को ढूंढने बाहर चली जाती है। तभी राक्षस जैसे दिखने वाला आदमी आकर इसको पकड़ लेता है और उसकी जगह पर ले जाकर उसे बांध देता है। आदमखोर लोग सब मिलकर उस लड़की को बहुत बेरहमी से काट काट के मार देते हैं। दूसरी लड़की को बांध के रखते हैं। तभी उन लोगों के बीच में एक छोटी लड़की रहती है। वो लड़की के पास आके इनकी कहानी बताती है। ये लोग बहुत साल पहले बाहर रहते थे। जर्मन ने हमारे ऊपर हमला किया था। वो मंजर बहुत भयानक था। हम लोग हर वक्त भूखे रहते थे। हम जर्मन से डर के बेसमेंट में छुप जाते थे। जर्मन सभी को मारते थे और उनके लाश को बेसमेंट में फेंक देते थे। हमने भी इंसानों को खाना शुरू कर दिया था। ये सुनकर लड़की बहुत डर जाती है। स्वन को जादुई चीज मिल जाती है। तभी ऊपर से एक नुकीली रॉड उसके सीने में लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी उधर राक्षस जैसे दिखने वाला आदमी आता है। माजन एक लड़की को आगे करके उधर से भाग जाता है। लड़की को वो राक्षस ले जाता है। मार्जन उधर से बाहर पहुंच जाता है। उधर से भागते वक्त बेयर ट्रैप में इसका पैर फंस जाता है। तभी चारों ओर से आदमखोर आकर मार्जन को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। एक बूढ़े टूरिस्ट कपल बीएपी के हवेली के एक कमरे में सोए हुए रहते हैं। सुबह उठकर इनको कुछ मालूम नहीं रहता है, सीधे बाहर आ जाते हैं। आखिर में दिखाते हैं कि जो भी मरता है उसका खून नीचे बेसमेंट की एक जगह जाती है जिस पर ड्रैकुला उसके समाधि में सोया रहता है। वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।